हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ नीलूफर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ। जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो ये रेसिपी आपकी बहुत ही काम आ सकती। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मसाले डाले हुए ये रेसिपी अगर आप बना लिया तो बच्चे से लेकर बड़े तक उंगलियाँ चाटते हुए बड़ी शौक से खाएगी। और वो रेसिपी है सोयाबीन की। इसके लिए एक कढ़ाई में बिना तेल के सोयाबीन को थोड़ी गरम कर लिया। फिर जब ये गरम हुई तो उसमें पानी डालकर इसको थोड़ी देर और गरम करेंगे। फ्राई करेंगे तो इसके कच्चापन नहीं रहेगा और पानी में बॉईल करेंगे तो ये इसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी और ये एक क्लीनिंग प्रोसेस भी है। इसके अंदर जो काला काला दिख रहा है वो एक्चुअली जो पाउडर थी वो जल गई थी उसको दिख रही है, पर कोई बात नहीं, जब हम इसको वॉश करेंगे तो वो चली जाएगी। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाली। यहाँ पर हमने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने सोयाबीन को फ्राई और बॉयल कर लिया। फिर हमने डाली है 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 4 हरी मिर्च की टुकड़ा, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और 1 चम्मच जीरा का पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, और डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसमें हम डालेंगे वो बॉयल किया हुआ सोयाबीन। सोयाबीन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसमें डालें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। फिर इन मसाले के साथ सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून ले। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालनी है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बॉयल कर लिया था और सोयाबीन को सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, ये बहुत ही जल्द सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब हम इसको एक ढक्कन से ढककर 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। अभी 7 मिनट कुक हो चुकी है, अभी ढक्कन हटा के देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। अभी सोयाबीन अच्छे से कुक हो चुकी है और हमें अभी गैस को बंद करना है। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और एक दूसरी बर्तन पर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बन के रेडी हो गई है मज़ेदार सोयाबीन की रेसिपी, जो बहुत ही कम समय में बनती है और बहुत ही कम मसाले में बनती है। सोयाबीन एक हाई प्रोटीन फूड है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बराबर में होती है। सोया इज ए कम्प्लीट प्रोटीन फूड, इसलिए खास करके जिन बच्चों की ग्रोथ हो रही है उनको खाना चाहिए। Please write a comment below.